तो हम लोगों की छुट्टी हो गई है, 5:30 बज गई, तो हम लोग छुट्टी किए हैं और अभी हम जाएंगे घर पे। तो मेरा तंदा है जो है वो हाथ और मुंह धो रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में। ये धो रहा हाथ और मुंह मेरा तंदा, जो मेरा साथ मजदूर है, मेरा अच्छा दोस्त है, जिगरी वाला दोस्त है ये। तो अभी देख सकते हो आप, छुट्टी हो गई हम लोगों की, तो ये हाथ मुँह धो रहा है। हम लोग मार्बल का काम कर रहे हैं तो मिट्टी बहुत उड़ती है, इसीलिए हाथ मुँह से धो रहे हैं। और इसमें बाल में वो कुछ घुस गया मिट्टी, इसीलिए बाल साफ़ कर रहा है अच्छे से पानी से लगा लगा कर। सूर्य भी अस्त होने वाला है, छुट्टी हो गई है। अभी अपना जो कपड़े हैं ठंडी के, जैकेट और शर्ट और जो टोपा है सर पर लगाएगा, देख सकते हो आप। और ये हम 2 मंजिला मकान में खड़े हैं, इधर नीचे काम चल रहा है, देख सकते हो आप। रोड का जो साइड के जो पाइपलाइन जो डाल रहे हैं, तो इसका जो रोड ये साइड से खोद दिया है, तो काम चल रहा है, देख सकते हो। ये है गांव दोवड़ में, इधर इधर भी नाली नई बनी है, देख सकते हो। ये नई नाली बनी है, तो इसका भी अच्छे से रेडी कर दिया है। और उधर सामने रहते हैं लोग, जो MP के लोग हैं बाहर, यही नालियाँ जो है खोद रहे हैं, पाइपलाइन जो डाल रहे हैं वहाँ पर एक लोग खोद रहे हैं, देख सकते हो आप। लुगाई एक औरत है जो सामने खोद रही है मिट्टी, देख सकते हो। अभी तक कपड़ा पहना नहीं है, पहन लिया है। अभी इससे मुंह बांधेगा, रास्ते में गाड़ी पर बाइक पर जो ठंडी लगती ताकि, टोपा पहन लिया है। ये हमारे पड़े हैं टिफिन, और हम टिफिन लेके जाएंगे, शंकर का और मेरा और रतनदा का, 3 टिफिन है। आप देख सकते हो कारीगर और मजदूर लोग कपड़े पहन रहे हैं, शाम हो गई है, जो ठंडी के जो कपड़े हैं, जैकेट स्वेटर, तो हम पहन के अभी जाएंगे अपने घर। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और शंकर हमारा आगे आगे चल रहा है, और देख सकते हो दोस्तों, और वो खड़ी हमारे सामने बाइक, और उस पर बैठकर हम लोग जाएंगे अपने घर। आज दिखाता हूँ रास्ते का व्यू, बहुत ही शानदार, देखते रहिए हमारा वीडियो।
दोस्तों हम पहुंच गए हैं सारा गांव और यहां के घर और कुछ दुकानें भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और आगे चलते हैं, आगे बहुत सारी और भी दुकानें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फरारा वो गांव है जहां महादेव का मंदिर है, कुंतेश्वर महादेव। तो आप लोग कभी आए हो तो देख सकते हो, यहां पर एक मंदिर है। और कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं तो वो भी आ सकते हैं। नाथवाड़ा से यहाँ पर लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये फरारा महादेव मंदिर। आगे से राइट टर्न लेगा है जो पिपड़ा जाता रास्ता वो वाला, और जो लेफ्ट जाता है वो जाता है दैला और गुड़ला। तो यहाँ से हम जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, जो राइट जाता है वो जाता है सीधा पिपड़ा से फिर नादवारा। तो दोस्तों हम निकल गए हैं दैला गुड़ला के रास्ते, और इसी रास्ते में आगे आएगा मंदिर, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों देख सकते हो सामने मंदिर दिख रहा होगा जो केसरिया कलर का जो पेंट कर रखा है सामने, देख सकते हो ये जो उनका मेन गेट है दरवाज़ा, और सामने लिख रखा है श्री कुंतेश्वर महादेव मंदिर। ये इनका मेन गेट है और इनके अंदर है शिवलिंग। Thank you.
से रोड का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अंदर गाड़ी चला रहा हूँ और मैं बैठ रहा हूँ पीछे, क्योंकि मेरे साथ जो तीन लोग हमारे घर तो वो आज आया नहीं, तो आज तीन लोग ही हम आया, मैं और शंकर, इसीलिए मेरे को आज मौका मिला है तो दोस्तों जहाँ हम अभी चल रहे हैं यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है, और ये हम फरारा से आगे निकल चुके हैं और आगे आने वाला है अब उड़ला गांव। तो फरारा और उड़ला के बीच का हम सफ़र तय कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है और यहाँ जंगलों में जैसे बड़े जानवर शेर, चीते, भेड़िया और भी वगैरह वगैरह कुछ जानवर रहते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। रात के समय यह आना बहुत ही ख़तरनाक होता है, कोई सफ़र नहीं करता है दोस्तों यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आगे देख मिलते हैं उड़ला गांव में। पहुंच गए हैं गुड़ला गांव में, सामने देख सकते हो आप घर दिख रहे होंगे, ये है बनास नदी, ये गुड़ला गांव की नदी है, खाली है, पानी आता है, जब पानी पीती तब स्थिति में पानी आता है। ये पुल है, कभी कभी बारिश में जब ये पुल के ऊपर से पानी गुजरता है, अभी खाली है क्योंकि बारिश चली गई, ठंडी का टाइम चल रहा है। तो गुड़ला गांव की जो टंकी है मेन, यहाँ से सभी लोगों के लिए पानी का सप्लाई होता है, पीने का पानी है टंकी में। और ये आ गया है गुड़ला गांव, और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर होगा हमारा घर, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये जो गुड़ला गांव के जो मकान है, घर है, दोस्तों हम पहुंच गए हैं उड़ला गांव में। ये जा रहा है कोई सामान लेने के लिए अलग, और हम जा रहे हैं अब अपने घर पर, ये वापस आएगा अभी। यहाँ से हम दूध, अभी दूध और छाछ कुछ सामान सब्जी ले लेते हैं, ये दुकानें हैं सामने, यहाँ से हम ले लेते हैं।
दोस्तों ये है गुल्ला गांव और यहाँ से छोटा सा एक बचपन है जहाँ पर ये लोग ये रिक्शा के जब से जाते हैं नाथवारा। ये रिक्शा जो खड़े हैं देख सकते हो सामने, ये नाथवारा के लिए जाते हैं देख सकते हो। और रवाना हो चुका है रिक्शा बस जा रहा नाथवारा। छोटा सा गांव है पर दुकानें हैं, दो चार दुकानें यहाँ पर। अभी इधर दोस्तों यहीं पे खड़े खड़े अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया है तो दुकाने के ये लाइट जल गई है देख सकते हो सामने। और मेरा रतनदा है जो दुकान पे खड़ा है वो कुछ सामान ले रहा है, दूध और सब्जी। तो थोड़ा टाइम लग गया, आधा घंटा हो गया हम लोगों यहाँ पे आए ना तो लाइट जल गई है। अब वो सामान हम लोगों ने ले लिया है, हम लोग अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ घर के लिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये सामान लेके आ गए हैं रतनदा। कर थैला मत फूल ले, कहीं 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 कह रहा हूँ सुरगा लो। अटेज नहीं रूम कटे हो, अटेज होता डिगल कटे। अरे अटेज बार मान दो संगान मो अधिक आई हूँ कहीं करे। तुम कटी गया वो खबर ही नहीं है। हाँ यार चला लगा चला ला अटेज दोस्तों हम लोग अभी रवाना हो चुके हैं गुड़ला से। दहला होके सीधा हमारा घर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा पड़ चुका है। चार चार लगभग चार चार फुट के करीबन दोनों तरफ से ज़मीन लेकर फिर इसको चौड़ी कर दिया गया ताकि दो गाड़ी आमने सामने आ जाए तो आसानी से निकल सके। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है, ये गिट्टी और रेती ये सब डाला गया है। यहाँ थोड़ा पुल बन रहा है तो यहाँ पर रोड थोड़ी ऊँची है और खेतों का जो जमीन लेवल है वो थोड़ा नीचे, इसीलिए आप थोड़ा पुल बना कर या भराव डाल देंगे तो रोड चौड़ी हो जाएगी थोड़ी। हम बस पहुंचने ही वाले हैं दहला गांव। दहला जो गांव की जो टंकी है पानी की वो देख सकते हो सामने लग रही है। ये छोटा सा एक पौंड है तालाब जो नालियों का पानी भरता है इसमें। और ये देख सकते हो आप रोड का जो काम चल रहा है।
इधर है दहला गांव, ये देख सकते हो। ये है दहला गांव और ये इधर का जो स्कूल है दहले की और इस तरफ, और इधर ये एक चौराया है दहला गांव का। इधर स्कूल है, आंगनवाड़ी है, हॉस्पिटल है, इधर भी है। तो ये आ गया है दहला का चौराया और यहाँ से हम टर्न ले लिए हैं। कुंडवा रोड, नला, बेल बस्ती, इधर है हमारा गांव, छोटा सा एक मोहल्ला है। पावर हाउस है ये, जो पूरा गांव दहला गांव में सप्लाई होती है करंट की। यहाँ भी लाइट चल चुकी है। जिसमें मैंने अच्छे से आप लोगों को दिखाया हूँ तो कितना समय लगता है, कम से कम अगर मोटरसाइकिल रास्ते में रोके नहीं तो 20 मिनट में हम दहला से दौड़ पहुँच सकते हैं। अगर कोई काम आ गया रास्ता में तो, अगर गाड़ी बाइक धीरे चलाते हैं तो आधा घंटा लगता है। यही से हम लोग करेंगे, बाय बाय, किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।